ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मिले रास्ते कई मुझको, बात यहाँ से शुरू होती है, मैं तो जी सुनिएगा। मिले रास्ते कई मुझको, मैं खुद ही इस डगर आई। मिले रास्ते कई मुझको, मैं खुद ही इस डगर आई। फलक तक जा रहे थे सब, गगन तक जा रहे थे सब, मगर मैं तेरे दर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और ये मैंने जैसा बताया बिल्कुल अपनी पहचान का गीत सुना रही, बिल्कुल आप डूब के सुने। मिले रास्ते कई मुझको, मैं खुद ही, किसी ने प्रेरित नहीं किया, बात नहीं किया, मैं खुद ही इस डगर आई। फलक तक जा रहे थे सब, गगन तक जा रहे थे सब, मगर मैं तेरे दर आई। मगर मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और जब आप किसी को चाहते हैं, टूट कर चाहते हैं, तो दुनिया की तमाम नकारात्मक शक्तियां उससे मिलने के लिए आपको लग जाती हैं, तल्लीन हो जाती हैं। कैसे बसा था उस किनारे तू, उफनती थी नदी गहरी। बसा था उस किनारे तू, उफनती थी नदी गहरी। नहीं सोचा विचारा कुछ, नहीं सोचा विचारा कुछ, निपट में बावरी ठहरी। बसा था उस किनारे तू, उफनती थी नदी गहरी। नहीं सोचा विचारा कुछ, निपट में बावरी ठहरी। हिलो रे देख कर मन की, हिलो रे देख कर मन की, हिलो रे देख कर मन की, मुझे लेने भंवर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और एक चाहने वाला जिसे भी चाहता है उससे क्या अपेक्षा रखता है, उससे क्या चाहता है, सुनियो। मैं चाहूं रूठना तुझसे, मैं चाहूं रूठना तुझसे, कभी मुझको मनाए तू। मैं चाहूं रूठना तुझसे, कभी मुझको मनाए तू। तड़प दिल से उठे ऐसी, तड़प दिल से उठे ऐसी, कि मुझसे मिलने आए तू। मैं चाहूं रूठना तुझसे, कभी मुझको मनाए तू। तड़प दिल से उठे ऐसी, कि मुझसे मिलने आए तू। और क्यों, घड़ी भर सिर्फ जीने को, घड़ी भर सिर्फ जीने को, घड़ी भर सिर्फ जीने को, मैं सौ सौ बार मर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और बंद सुनिएगा। नहीं तू अब तलक पिघला, ये कैसा प्रेम है प्यारे। नहीं तू अब तलक पिघला, ये कैसा प्रेम है प्यारे, कि टोने टोट के मेरे गए बेकार ही सारे। नहीं तू अब तलक पिघला, ये कैसा प्रेम है प्यारे, कि टोने टोट के मेरे गए बेकार ही सारे। तुझे है फिक्र गैरों की, तुझे है फिक्र गैरों की, तुझे है फिक्र गैरों की, मैं अपना छोड़ घर आई। मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई, मगन मैं तेरे दर आई। और जब कोई कहता है कि सीता जी कवित्री हैं, तब मैं क्या कहती हूँ, गजल दोहा न चौपाई, न कोई गीत ही गाया। गजल दोहा न चौपाई, न कोई गीत ही गाया। भला औकात क्या मेरी, लिखा जो तूने
लिखवाया गजल दोहा न चा पाई न कोई गीत ही गाया भला औकात क्या मेरी लिखा जो तूने लिखवाया और क्यों घुला तू इस कदर मुझ में घुला घुला तू इस कदर मुझ में घुला तू इस कदर मुझ में मैं क्या थी क्या नजर आई जाता है एक तब जब शरीर जर्जर हो वो खड़ा ना रह पाए तब और दूसरी झुकने की वजह क्या हो सकती अब यहां से सूफी गीत की धारा बदलती है सुनिएगा झुकी हूं मैं भरी होकर समझ ले नानक कमजोरी झुकी हूं मैं भरी होकर समझ ले नानक कमजोरी तेरे तोड़े न टूटेगी बड़ी मजबूत ये डोरी झुकी हूं मैं भरी होकर समझ लेना न कमजोरी तेरे तोड़े न टूटेगी बड़ी मजबूत ये डोरी तुझे ये बात समझाने इतनी सी बात तुझे ये बात समझाने तुझे ये बात समझाने ढिंढोरा पीट कर आई मगन मैं तेरे दर आई मगन मैं तेरे दर आई। और इस गीत का एक आत्मवान बंद कि वो सर्वशक्तिमान है बहुत कुछ दे सकता है बल्कि सब कुछ दे सकता है लेकिन सिर्फ उसको जिसे कुछ चाहिए और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके सामने वो भी हाथ बांधकर खड़ा हो जाता और कहता है कि मेरे दर से कुछ तो ले जाओ क्या बात मेरे दाता होने का भरम कुछ तो रख लो वरना जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब मैंने कहा है सुनिएगा वाचिक परंपरा की ये जीती जाती मिसाल आप तक पहुंचा रही ये दौलत बंदगी की है बड़ी मेहनत से है पाई ये दौलत बंदगी की है बड़ी मेहनत से है पाई तपस्या कितने जन्मों की नजर तुझको न जब आई। ये मुझे हैरात में नहीं मिल गई है इसके लिए जाने कितने योनियों में भटकी ये दौलत बंदगी की है बड़ी मेहनत से है पाई तपस्या कितने जन्मों की नजर तुझको न जब आई। और तब मैंने फिदा होकर क्या किया सुनिए तपस्या कितने जन्मों की नजर तुझको न जब आई फिदा होकर मैं तब खुद पर फिदा होकर मैं तब खुद पर फिदा होकर मैं तब खुद पर खुद अपनी मांग भर आई मगन मैं तेरे दर आई मगन मैं तेरे दर आई मगन मैं तेरे दर आई। और इस गीत का आखिरी बंद मुझे अपनी हैसियत का कोई मुगालता नहीं है मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं लेकिन उसे भी पता होना चाहिए मैं माफी चाहती हूँ इस गीत को सुनाते सुनाते मैं अपने आप ही में नहीं रहती इस गीत को लिखने के बाद मैं 15 दिन तक बिल्कुल अद्भुत लोग जानते हैं कि मैं अजीब सी मानसिकता में रही कई दिन कॉलेज नहीं गई तो गीत का आखिरी बार सुनेगा कि मुझे कोई भुगलता नहीं लेकिन उसे वो भी पता होना चाहिए। और जमीनी ताकत जब जड़ों की ताकत जमीनी ताकत जब अपने पर आती है तो वो क्या कर सकती है गीत का आखिरी मन तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं प्रदीप जी का एक भजन के पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को उस भजन को मैं समर्पित करते हुए अपना ये गीत का आखिरी वंश सुनाती हूँ तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं तेरे बिन कुछ नहीं हूं मैं मेरे बिन कुछ नहीं तू भी आए है, तेरे बिन कुछ
कुछ नहीं मेरे बिन कुछ नहीं तू भी मगर तेरी अमानत हूँ मगर तेरी अमानत हूँ तो मेरा कुछ कहीं तू भी तेरे बिन कुछ नहीं हूँ मैं मेरे बिन कुछ नहीं तू भी मगर तेरी अमानत हूँ तो मेरा कुछ कहीं तू भी। और अंतिम दो पंक्तियां, कुछ नहीं कहूंगी आपकी आशीर्वाद के लिए तालियों के बस आप सागर है। मेरे बिन कुछ नहीं तू भी मगर तेरी अमानत हूँ तो मेरा कुछ कहीं तू भी करूंगी राज मैं तुझ पर करूंगी राज मैं तुझ पर करूंगी राज मैं तुझ पर जो अपने पर उतर आई मगन मैं तेरे दर आई मगन मैं तेरे दर आई मिले रस्ते कई मुझको मैं खुद ही इस डगर आई फलक तक जा रहे थे सब मगर मैं तेरे दर आई मगन मैं तेरे दर आई मगन मैं तेरे दर आई। बहुत बहुत धन्यवाद।